ये आईबॉक का अकेले का लड़ाई नहीं है, ये 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज का लड़ाई है, ये आप ध्यान में रखना। शायद अभी आईबॉक का ये लगता होगा क्या, पर 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज ये मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे कि सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फुटपाथ पे आ जाएगा, ये सही है। क्या मूवमेंट है आईबॉक का, क्या डिमांड है आईबॉक का? डिमांड है फैक्चुअल मैंडेट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? प्ले कमेटी जब आया था तब स्केल 7 तक सैलरी डिसाइड हुआ था कि स्केल 7 तक सैलरी ये करेगा। अभी बोलता है कि वेरिएबल पे आएगा, फैक्चुअल मैंडेट आएगा, किसको कौन देगा, किधर देगा, किसी को भी पता नहीं। परसों का मीटिंग में इतना हालत खराब था कि आईबीए को पूछा कि क्या फैक्चुअल मैंडेट क्या है, आप 7 तक डिस्कस करना चाहते हैं या केल 3 तक डिस्कस करना चाहते हैं, क्या आपका कोई और अलग रास्ता है? तो बोलता है हमारा भी कंफ्यूजन हो रहा है, अभी तुम यूनाइटेडली इधर नहीं आता है तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आता है। एक्चुअली रियलिटी में माइनस आईबॉक को डिस्कस करने को तैयार नहीं था, पर यूनाइटेड फोरम का कोई लोग है जो माइनस आईबॉक डिस्कस करना चाहते हैं। मेरे को लगता है हम लोग तो उसको सीधा बोल दिया है कि माइनस आईबॉक कोई भी एग्रीमेंट होगा नहीं और होना नहीं चाहिए कि 90% बैंक ऑफिसर आईबॉक के साथ में है। अभी क्या चल रहा है? निगोशिएशन काय के लिए होना चाहिए? निगोशिएशन के लिए होना चाहिए और किसी के लिए होना चाहिए? आपको मालूम है कि ये स्थिति क्यों आ गया, बैंक एम्प्लॉयज का आज का जो स्थिति है और फैक्चुअल मैंडेट का ड्यूटी है और जो वेरिएबल पे का स्थिति है वो काय के लिए आ गया? इंडियन बैंक एसोसिएशन बोल रहा है, राजकिरण राय जो चेयरमैन है निगोशिएशन फाइनेंशियल कमिटी के निगोशिएशन है, वो बोल रहे हैं कि बैंक का लोग नौकरी छोड़ के जा रहा है और उसको रुकाने के लिए स्किल में चील अच्छा क्रीम में स्क्रीम जा रहा है और उसको रुकाने के लिए हमको केल 4 एंड अबव वाला हायर सैलरी देना चाहिए। भाई साहब हम लोग मानते हैं केल 4 एंड अबव वाले को हायर सैलरी देना चाहिए। पांचवा सेटलमेंट 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां ये सेटलमेंट में ये बैंक एम्प्लॉय को नीचे गिराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम लोग और हम लोग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि यूनियन ने वो टाइम में सही डिमांड नहीं रखा और सही निर्णय डिमांड लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, हमारा महाराष्ट्र में एक शादी होता है, शादी में डाउरी देता है और सन इन लॉ को भी एक सूट के लिए बोलता है, सूट होना चाहिए ना शादी में, तो सन इन लॉ के लिए सूट होना चाहिए। तो आईबीए का भी ऐसा है, वो 2200 करोड़ देगा और बोलेगा 2200 करोड़ में आपको जिसमें बिठाना है वो बिठा दो, वो एक साइड में बिठाएगा, बोलेगा मेडिकल में पैसा नहीं है तो एचआरए से काटो और दूसरा हेड में डालो, ये सब मामला चलेगा। ऐसा ही अभी तक ये सेटलमेंट हो रहा है, 5वां सेटलमेंट 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां, कुछ पैसा डिसाइड होता है उसमें पूरा हेड भी डाटा बढ़ता है और नहीं है तो इधर से निकालो उधर से निकालो करके होता है। वो अभी कंजूस फादर इन लॉ होगा तो क्या करता है, बोलता है 4.5 मीटर ओवरकोट और पैंट के लिए ये लगता है कपड़ा लगता है, तो वो बोलता है कि मेरे पास 4.5 मीटर का पैसा नहीं है, तुम मैं 3 मीटर ले लो और ओवरकोट छील ओवरकोट पहन लो जिसके वजह से तुम्हारा इज्जत बच जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे ही आईबीए का तरीका है, आईबीए भी आजकल यही कर रहा है। तो ये मुसीबत क्यों तो आया, जो हम लोग का सैलरी जो घटते गया उसके वजह से आईबीए का स्क्रीम का स्क्रीम जो एम्प्लॉयज है वो जा रहा है। एचआर कमेटी था, खंडेलवाल साहब एचआर कमेटी के हेड थे और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए उसने बोला था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक कमेटी अपॉइंट करेंगे। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो डेवलपमेंट किधर होगा, एम्प्लॉयज का स्थिति क्या है? तो मैं खंडेलवाल साहब को बोला, आप खंडेलवाल साहब एक काम करो कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आए हैं,
बैंक का क्लर्क का सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास फोर एम्प्लॉयज यानी हमारे इधर मैसेंजर या सब टॉप से कम है तो उसको एक रुपया ज्यादा दे दो और बैंक एम्प्लॉय का इज्जत बचा दो तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा करके हम लोग बताया। तो खंडेलवाल का क्या रिप्लाई था? खंडेलवाल का कोई रिप्लाई नहीं था। जो आईएमएम अहमदाबाद का ढोलकिया था, डॉक्टर ढोलकिया, उसने बोला बैंक एम्प्लॉय का सैलरी इतना कम है, उसको तो सरप्राइज था। आज मार्केट में क्या लगता है कि बैंक एम्प्लॉय सुबह से हर वीक में उसका कुछ एग्रीमेंट हो रहा है और हर वीक में उसको कुछ इंक्रीज मिल रहा है, ऐसा स्थिति मार्केट में है। तो ये स्थिति बदलने के लिए क्या करना चाहिए? तो एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छा मिलना चाहिए, सैलरी अच्छा मिलने के लिए रात के नजदीक तो पहुंचना चाहिए या नहीं चाहिए? यस। अरे एलआईसी पांचवा सेटलमेंट तक हमारे साथ में था, वो छठवा में 7% इंक्रीज हो गया, सातवा में 14% इंक्रीज हो गया, अभी 37% एलआईसी का एम्प्लॉयज का बैंक एम्प्लॉयज से सैलरी ज्यादा है। बोलो ना क्या? तो ये जो मामला है वो खाली आईबॉक का नहीं है, पूरा बैंक एम्प्लॉयज को सैलरी कम मिल रहा है, इसके लिए ये मामला इधर आ गया है। आप लोग फुटपाथ पे आने के लिए कोई खुशी है क्या? साइट पे जाने के लिए कोई खुशी है क्या? तो हम लोग उसके लिए सोल्यूशन बताया कि फर्स्ट सेटलमेंट में 25 ईयर का स्पैन था, 25 इंक्रीमेंट था 25। सेकंड सेटलमेंट में उसको 20 इंक्रीमेंट में लाया। क्यों लाया? कि 25 साल में कोई बैंक में रुकने वाला नहीं है, इसके लिए उसको कम कर दिया, तो 25 का 20 हो गया। अभी 10-20 साल में 30 साल में 25 का हम लोग 15 करने का क्यों नहीं सोचा? 15 करेगा तो क्या होगा? जो 15 करेगा पैन कम करेगा तो 5 इंक्रीमेंट जो है वो 15 इंक्रीमेंट में मर्ज होगा और उधर आपको 3-4 हजार रुपया ज्यादा मिलेगा, 5 हजार ज्यादा मिलेगा, सेटलमेंट में 10 हजार मिलेगा तो 15-20 हजार रुपया ज्यादा मिलेगा। पर यह भी बोलता है ये फॉर्मूला हम लोग को पसंद नहीं है। जो पसंद नहीं है, इधर स्केल वन ऑफिसर है, स्केल टू में जाने के लिए कितना साल लगता है? 12 साल। 12 साल का स्पैन का जरूरत है क्या? स्केल वन से स्केल टू भेजाने के लिए 12 साल का जरूरत है क्या? 12 साल का जरूरत नहीं है, वो 7 साल रिड्यूस होना चाहिए और 5 इंक्रीमेंट स्केल वन का स्केल टू में है वो मर्ज करना चाहिए तो भी अच्छा सैलरी बन जाएगा। पर ये कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए कि वो लोग को कुछ करना नहीं है बैंक एम्प्लॉयज के लिए। और जो मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है एनसीबी और माइटी ऑर्गेनाइजेशन वाला वेंकटाचलम, उसको बोलो कि बैंक एम्प्लॉयज का सेटलमेंट में तुम पांचवा सेटलमेंट से आए आ तब से क्या नतीजा निकला? कुछ नतीजा निकला? आप लोग को क्या मिलता है? हम लोग सोचता है जब ये होता है एरियस मिलने के टाइम में कोई बोलता है प्लाज्मा टीवी लेगा, कोई बोलता है सोफा लेगा, कोई बोलता है पिचोड़ी लेगा। अरे आने का जो एरियस मिलता है उसमें कुछ नहीं आता है, सोफा क्या चेंज करेगा? कुछ चेंज करने जैसा स्थिति नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताता है, आईबॉक ने मोमेंट लिया है वो सही रास्ते में, हम लोग तो उसको ओपन सपोर्ट किया है। इन्वर्टेड फोरम का मीटिंग में मैं ओपन आईबॉक को सपोर्ट किया है और आगे भी मैं सपोर्ट में रहेगा क्योंकि डिमांड जेन्युइन है। तो आपका डिमांड है पेंशन का, अपडेशन ऑफ पेंशन, आपको मालूम होगा अपडेशन ऑफ पेंशन का क्या है। अपडेशन ऑफ पेंशन, पेंशन ही सेकंड ऑप्शन देने के लिए मैंने एआईबीए डिसाइड नहीं करता था, एआईबीए को नहीं चाहता था एआईबीए की सेकंड पेंशन ऑप्शन आना चाहिए करके। क्यों नहीं आता था? तो बोलता है फर्स्ट सेटलमेंट में आईबॉक में इनबॉक ने उसको अपोज किया था, इसके लिए सेकंड था डिस्कशन में 35 नंबर में पेंशन इश्यू था, 35 नंबर में पेंशन इश्यू। जब 35 नंबर में पेंशन इश्यू था तो 34 इश्यू होने के बाद वेंकटचलम उठने को चालू किया और जाने को चालू किया। तो मैं पूछा ये 35 नंबर का एजेंडा का पेंशन इश्यू का सेकंड ऑप्शन का क्या है? तो वो बोला वो इश्यू मेरा नहीं है, वो तुम्हारा है। बोला तुम्हारा इश्यू नहीं है, तुम यूनाइटेड फोरम का एजेंडा में लेके इधर डिस्कस नहीं करेगा तो कल मेरा ऑर्गेनाइजेशन का कल का स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जिंदाबाद, और जिंदाबाद, इतना ही नहीं, मैं चीफ लेबर कमिश्नर के सामने
लेटर लिख के दिया कि कल का सामने कल का स्ट्राइक में इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन फाइट सारे स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद में 34 नंबर का एजेंडा एक नंबर में आ गया, जो कुछ करना पड़ता है कोई होता है नहीं तो आपके सामने एक सवाल नहीं है। जो यंग जनरेशन है मैनेजमेंट भी समझता नहीं है कि आपको मालूम होगा कि 1616 और 1684 में डीए का फॉर्मूला लगा था पेंशन के टाइम में और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करके बोला कि एक इंडस्ट्री में दो सेट ऑफ सर्विस रेगुलेशन नहीं रहेगा, सर्विस रूल नहीं रहेगा। उसके वजह से वो जो ओल्ड लोग था उसको पेंशन मिल गया। अभी ये लोग को पेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या करना उधर नारे लगाना। कांग्रेस 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 फ्रॉम करनाल यूनिट आर रिक्वेस्टिंग नॉट टू रेज स्लोगन। Comrade Karnal Unit, you are the most militant organization, no doubt. But please, now. साथियों, जब कोई स्पीकर बात कर रहा है तो कृपया स्लोगन रेज ना करें। जो अपनी बात कहना चाहते हैं और डिस्टर्बेंस होती है, प्लीज स्लोगन रेज ना करें। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। तो ये मामला तुम्हारा है नहीं, मेरे को लगता है आने वाला दिन में मैक्सिमम लोग न्यू रिक्रूट आएगा तो उसको एक डिमांड लेके आगे जाना ही पड़ेगा और आईबॉक ने सही रास्ते में ये डिमांड हाथ में लिया है। ये गवर्नमेंट क्या करना चाहता है वो आपके सामने है। गवर्नमेंट ये करना चाहता है कि आरबीआई में उसने जो रिजर्व फंड है वो लेना चाहता है। क्यों रिजर्व फंड चाहिए? तो मल्या पैसा लेके भाग गया, अंबानी बैंक को डुबा रहा है, अदानी बैंक को डुबा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा डूब गया है उसको रिकवरी करने के रिजर्व बैंक का पैसा लाता है। तो रिजर्व बैंक का जो रिजर्व फंड है 9 लाख करोड़ वो उर्जित पटेल देने के लिए राजी नहीं करके उर्जित पटेल को जाना पड़ा। उर्जित पटेल के जगह पे किसको लाया? उर्जित पटेल के लाया जगह पे दास को लाया। कॉमरेड्स कॉमरेड्स प्लीज प्लीज हियर द स्पीकर। कॉमरेड्स ऑल आर रिक्वेस्टेड किया और प्रमोशन में वो लिखता था कि क्लर्क से ऑफिसर का प्रमोशन होना चाहिए, ऑफिसर का स्केल 1 से 2 में होना चाहिए। तो सीआईबी बौद्ध पार्ट क्लियर करना चाहिए। जो आदमी चेयरमैन सीआईबी बौद्ध पार्ट क्लियर कर नहीं पाया वो दूसरे को कंपल्शन करता है तुमको सीआईबी पार्ट होना चाहिए। अभी क्या हो गया, एक बाजू में वकील साहब बैठा है लॉयर, सबसे बेटर लॉयर जेटली साहब, दूसरे बाजू में हिस्ट्री वाला बैठा है रिजर्व बैंक में और तीसरा बाजू में देश का प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। तो पूरा देश में जो गिरावट आई है वो एजुकेशन में गिरावट आई है, जो क्वालिफिकेशन में गिरावट आई है, नॉलेज में गिरावट आई है। और ये गिरावट रुकने के लिए अपने पास हाथ में क्या है? हम लोग रस्ते पे आएगा, स्ट्राइक करेगा, 2 दिन का सैलरी काटेगा, दूसरा क्या है? तो ये रिजर्व बैंक का 9 लाख करोड़ का जो रिजर्व फंड है वो गवर्नमेंट लेना चाहता है। किसके लिए? तो उसको इलेक्शन के लिए मांगता है पैसा। अभी तो रिजर्व के लिए बैंक के लिए पैसा मांगता है, मल्या के लिए पैसा मांगता है, विम्सन डायमंड के लिए पैसा मांगता है। 2014 में मैं नरीमन पार्ट चर्चगेट से आजाद मैदान तक मुंबई में जुलूस निकाला था, 2000 बैंक एम्प्लॉयज गया था, गले में फोटो डाला था मल्या का, विम्सन डायमंड का और ये सब का, और मोर्चा जुलूस निकाला और हम लोग बोला इसका पैसा वसूल होना चाहिए। ये देश का पैसा है, वह पूरा देश का पैसा है, ये वसूल होना चाहिए। क्या हुआ मोर्चा के बाद में? मोर्चा के बाद में मैं रिटायर हुआ 2009 में और 2009 के बाद मेरे को चार्जशीट मिला है, चार चार्जशीट मिला है। मैं
हर्षित को घबरता नहीं, पर मैं मोर्चा किसके लिए निकाला था? मल्ल्या को पकड़ने के लिए निकाला था, रिमसन डायमंड वाले को निकालने के लिए पकड़ा था। वो बाजू में हो गए, वो लंदन में भाग गया, एयरपोर्ट से फोन किया उसने मिनिस्ट्री को, मैं जा रहा, मल्ल्या जा रहा है, चार पांच बैग साथ में है, क्या करने का? बोलते हैं उसको जल्दी आप भी का भी पांच मिनट में फ्लाइट में बिठा दो, वो लंदन में जाएगा तो हमारा छुटकारा हो जाएगा। क्या हो रहा है? तो देश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। बैंक एम्प्लॉयज के बारे में जो हो रहा है वो नहीं ठीक हो रहा है। जनधन योजना का अकाउंट ओपन करो, मुद्रा लोन का अकाउंट ओपन करो, मुद्रा लोन का पैसा वापस आने वाला है क्या? प्लीज कॉमरेड्स प्लीज, सावन जी कंटिन्यू। क्या होता है ऐसा ही? नो प्लीज प्लीज सावन जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं यार छोड़ दो सावन जी प्लीज कंटिन्यू। में जो पैसा मिलता है वो बाल बच्चे का कुछ खाना खिला नहीं सकता है, तो बैंक में जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसका अकाउंट में जा रहा है? मल्ल का अकाउंट में जा रहा है, अदानी का अकाउंट में जा रहा है, सभी का अकाउंट में जा रहा है। वो करोड़पति में इंडिया का जो लिस्ट है वो सबका बढ़ रहा है, पर तुम्हारा हमारा बढ़ नहीं रहा है। पेंशन रिवाइज होना चाहिए कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन रिवाइज होता है, तो बैंक एम्प्लॉयज का हर एक सेटलमेंट में पेंशन क्यों नहीं रिवाइज होना चाहिए? वो होना ही चाहिए, वो हमारा राइट है। मैं आपको एक सवाल पूछता है, अभी 2000 के पहला नया लड़का लोग को जो ऑफिसर आता है या क्लर्क में आता है उसको पेंशन ऑप्शन नहीं है। जो 2010 में जो ज्वाइन किया है वो 2050 में रिटायर हो जाएगा, उसके बाद ये जो करोड़ रुपए का फंड बचेगा वो गवर्नमेंट किसके पास बांटेगा, किसके लिए बांटेगा? ये फंड जो रिजर्व हो वो करोड़ रुपए का रिजर्व है। आपको मालूम है कि इंपीरियल बैंक का पैसा था वो स्टेट बैंक में मर्ज किया, इसके लिए थर्ड बेनिफिट स्टेट बैंक में मिलता है। तो हम लोग का ये पैसा है वो हमारा पेंशन अपडेशन में बांटना चाहिए, यह हमारा डिमांड है और ये डिमांड होना चाहिए। अभी मर्जर हो रहा है बैंक का, किसके लिए? अभी ये देना बैंक छोटा कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहा है क्या? विजया बैंक छोटा कस्टमर को सर्विस दे नहीं दे रहा है क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर को सर्विस दे ही नहीं रहा क्या? नया बैंक बना रहे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, तीन बैंक मर्ज करके, किसके लिए? एक छोटा लोन देने के लिए 5,000, 10,000, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ देने के लिए हर एक बैंक सक्षम है, पर ये लोग को अदानी को 5,000 करोड़, मल्ल्या को 20,000 करोड़, ऐसा लोन देने के लिए बड़ा बैंक मांगता है। जो पर्पज था बैंक का नेशनलाइजेशन का वो टोटल डिफीट कर रहे, और ये बैंक मर्जर अभी हो रहा है। तुम लोग हम लोग क्या कर रहे हैं? रस्ते के उतर आके अपोज कर रहे हैं, और ये अपोज में क्या हो रहा है? अपोज में ये हो रहा है, अपोज में हम लोग पूरे ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो रवैया है वो रवैया ठीक नहीं है, और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन ये अनरजिस्टर बॉडी है, आपको भी मालूम नहीं होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन इज अनरजिस्टर बॉडी। एक जमाने में प्राइवेट बैंक था तभी वो क्लब था, और क्लब इसके लिए था कि वो लोग शाम को बैठ के श्रम परिहार करता था, बैंक का छोटा छोटा बैंक का क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के लिए था वो क्लब। आजकल इंडियन बैंक एसोसिएशन हो गया। पैसा किसके पास से लेता है? पैसा हमारे बैंक से इंडिविजुअल बैंक के पास से, उधर का एम्प्लॉयज का तनख्वाह देने के लिए पैसा जमा कर रहा है, और वो हमारे खिलाफ एडवर्टाइज डालता है। जब हम लोग स्ट्राइक पे जाता है तब हमारे खिलाफ, हमारे ही पैसे का हमारे खिलाफ एडवर्टाइज डालता है। तो अनरजिस्टर्ड बॉडी वो एक यूनियन के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, और थर्ड आदमी क्या करता है? इसको कोई काम पावर है क्या? मेरे हिसाब को इसको कोई पावर नहीं है। पावर इसके लिए नहीं है कि दलाल का काम करता है, पोस्टमैन का काम कर रहा है। क्या करता है पोस्टमैन? क्या करता है? किसी का भी लेटर आता है वो आपका घर में लाके धर देता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन जाएगा जेटली साहब के पास, जेटली साहब को बोलेगा, जेटली साहब अब वो बैंक एम्प्लॉयज का चैलेंज का डिस्कशन चल रहा है क्या करने का। जेटली साहब बोलता है तुम्हारा पॉकेट में कितना है, वो पॉकेट में है उससे कम ऑफर करो। 2% का क्रेडिट ऑफर हुआ था, हिस्ट्री में हुआ था, जो लास्ट टाइम में 15% मिला होगा, तो आप 2% लेके ये टाइम में क्यों बैठने वाले हैं क्या? हाय 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 हाय
अरे हाय हाय करके नहीं चलेगा, हाईवे वाले को ऊपर से नीचे उतर के रास्ते पे लाना पड़ेगा। जय हिंद सिंधापाक, कांग्रेस सेवन सिंधापाक, वो बोलता है कांग्रेस सेवन मार्चर। तो मेरे को बोलो, कोई बैंक अच्छा काम करता है और कोई बैंक का खराब काम है, कोई एम्प्लॉयज का उसमें गलती है क्या? एम्प्लॉयज का कोई एम्प्लॉयज का काम से बैंक कोई डुबा है क्या? नहीं डुबा है। तो एक इंडस्ट्री में दो सर्विस कंडीशन दे सकता है क्या? एक देना बैंक का क्लार्क को 6% एक्स्ट्रा मिलेगा, या बैंक ऑफ बड़ौदा को 6% एक्स्ट्रा मिलेगा, सेंट्रल बैंक वाले को 6% नहीं मिलेगा। ये इंडस्ट्री में ऐसा हो नहीं सकता है और होने का देने का नहीं है। ये आप धंधे आप करना चाहिए, आपके हाथ में। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नया नया तरीका ला रहा है, नया नया एक एक प्रपोजल ला रहा है, उसके लिए हो रहा है। अभी आपके सामने क्या क्या ये है, फार्मर का लोन माफ कर दिया राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया, तो तीन स्टेट में उसका राज आ गया। हमारे पास में ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या हमको बोलेगा कि पे कमीशन के इक्वली हम तुमको सैलरी दे देगा, तुम्हारा मर्जर नहीं करेगा, प्राइस बंद नहीं करेगा? और ऐसा कोई आएगा और ये टेज में भोगन देगा तो डेफिनेटली हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हमारा काम ही है वो है। बट कोई नहीं आ रहा है, बैंक एम्प्लॉयज के साथ में कोई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कि अपना वोट कितना है? 10 लाख बैंक एम्प्लॉय, उसका तीन या चार यूनिट पकड़ेगा तो 40 लाख, 40 लाख वोट का गिनती नहीं होता है। इसके लिए हम लोग सब लोग मार रहे हैं, हम लोग को डमरू बना रहे हैं। तो यह डमरू बनाने को नहीं ले रहेगा, मैं आपको एक ही बता रहा है। आईबॉक में सोमैया दत्ता जी का काम बहुत बढ़िया है, आने के बाद में उसने ऐसा तो पहला बैंकों ने भी बहुत कुछ लाया था। उसे जान लाया है और तुम्हारा सही इश्यू उठाया है, और सही इश्यू उठाने वाले को आप लोग का सपोर्ट करना पड़ेगा। पहला लोग ने उठाया, ऐसा नहीं होगा उठाया, पर कोई क्या होता है, कभी एनसीबी का थोड़ा प्रेशर आता है, कभी एआईबी का प्रेशर आता है, वो गले में हाथ डालता है, बोलता है अरे ये ले लो ये ले लो ये ले लो, ऐसा करता है और लोग भी भूल जाता है। ऐसा ये बोलता है, इतना बड़ा लीडर तो उसका सुनना चाहिए। पर जो लीडर ने 5 सेटलमेंट में बैंक एम्प्लॉयज को फुटपाथ पे लाया, उसको फुटपाथ पे लाने का, और जब तक ऐसा फुटपाथ पे नहीं लाएगा तो क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर, क्या है तुम्हारा? मेरे को बोलो, हाउसिंग लोन हम लोग बाहर वाले को बुलाता है, अरे 7% में लेता है ले लो, 8% में लेता है ले लो, और हम लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे? जो बेसिक प्रिंसिपल था कि होम सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का, तो 4% रेट होम सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता होगा तो 4% में हाउसिंग लोन मिलना चाहिए। कौन सा नहीं है? हिंदुस्तान लीवर में जाएगा तो अच्छा साबुन मिलेगा कंसेशनल रेट पे चकाचक लगाने के लिए, बजाज में जाएगा तो स्कूटर मिलेगा, रेलवे में जाएगा तो रेलवे जिधर जिधर जाता है उधर तक जाने के लिए पास मिलेगा, रेलवे पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान तक जाने तक फ्री ऑफ चार्ज पास मिलेगा, वापस आएगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं, पर जाएगा सही। तो ये नहीं आएगा, एयर इंडिया वाला लॉस है, 5,000 करोड़ का लाभ होने के बाद हवाई जहाज जिधर जिधर जाता है, सिंगापुर बैंकॉक हांगकांग उधर एयर इंडिया का एम्प्लॉय जाता है, साथ साथ में मिनिस्टर जाता है, उसको भी फ्री ऑफ चार्ज है। हम लोग को फ्री ऑफ चार्ज क्या है? हम लोग डिपॉजिट रखेगा बैंक में एफडी में तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ये कोई फैसिलिटी है? ये कोई कंसेशन है? ऐसा कंसेशन निकालना चाहिए। अभी वो चार्जर तुम्हारा यंग ब्लड जो होता है ना, हम लोग 70+ है, आप लोग यंग ब्लड है, रस्ते में उतरना चाहिए। जो जेटली क्या बोलता है कि ये देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, रस्ते में कोई कुत्ता नहीं है, कोई बॉम चिल्लाता नहीं है, इसके लिए बोलता है अनएम्प्लॉयड नहीं है। वो ऐसा ही बोलेगा, बैंक एम्प्लॉय को देता है वो एक्सेप्ट करता है, इसके लिए वो भी सेटिस्फाई है। आप सेटिस्फाई नहीं है? मैं बोलता है कि मैं आपको एक ही चीज बोलता है, आईबॉक ने जो मूवमेंट चालू किया है वो मोमेंट के लिए इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, और शायद आएगा तो मैं संजय रेड्डी के पास भी जाएगा, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज कांग्रेस के पास, और बोलेगा कि बैंक एम्प्लॉयज के साथ पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। उसके पास 2 करोड़ मेंबरशिप है, वो खड़ा रहेगा,
तो मेरे को लगता है ये कुछ जान आ जाएगा। जान तो लाया है तुम लोग, जान तो आज लाया है, मैसेज तो गया है, हाईवे को भी जाएगा। और जो बोल रहा था कि दो तुम्हारा ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो नागराजन एक फिलोसॉफर है, इधर का फिलोसॉफर है मालूम नहीं, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, वो फिलोसॉफी में बताता है। वो बोलता है कि इसने ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अरे कभी डिसीजन लेना चाहिए, तुम एग्रीमेंट कर 12% 14% 15% तय करेगा और बोलेगा मैंडेट का इश्यू कोई नहीं है, हम लोग साइन करता है। तो सोमैया दत्ता किधर जाता था? और उसने राइट टाइम में डिसीजन लिया, वो राइट डिसीजन है, वही टाइम में जो किया वो सही। तो उसने जो डिसीजन लिया है वो बैंक एम्प्लॉयज का फेवर में है, ऑफिसर के फेवर में है, और स्केल 7 में कितना है, स्केल 6 में कितना है, स्केल 5 में कितना है, उसका कोई नहीं है। ये हमारा एक ही है कि ये जो भेदभाव चलता है वो बैंक में नहीं होना चाहिए, सबका इक्वल सैलरी, नहीं तो देना बैंक का अलग सैलरी, सेंट्रल बैंक वाले को अलग सैलरी, स्टेट बैंक वाले को अलग सैलरी, और जितना करना है उतना कर देगा और तुम लोग को हम लोग को डुबा देगा। स्थिति में हम लोग काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक ही बोल देता है कि आने वाला दिन में लड़ाई जोरदार लड़ना पड़ेगा, ऐसा एक दिन का धरना में ये काम नहीं होगा। हमारा स्टैंड यूनाइटेड फोरम में है, आप अपडेशन ऑफ पेंशन, नया लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और मर्जर, ये लेके सोमवार से फ्राइडे तक, सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे पकड़ के 5 दिन का बैंक का चंदा जाम करो, देश का इकोनॉमी खड्डे में डालो, तो ही तुम्हारा काम रहेगा। और ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं। एक दिन का स्ट्राइक में, 2 दिन का स्ट्राइक में लोग कंटाल गया। अभी जाना दो ना, किसी को कश्मीर जाना है वो कश्मीर जाएगा, कोई कन्याकुमारी में जाने का है तो कन्याकुमारी जाएगा, ठीक है। तो ओके, मैं आपको, मेरे को बुलाया, भाषण करने को मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।